वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम विकास सिक्योरिटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। विकास सिक्योरिटेक स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन 5.75 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 4.55% का अपर सर्किट लग चुका था, 25 पैसे का अपर सर्किट लग चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते विकास सिक्योरिटेक स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट 1 वीक के अंदर 13.86% की रैली कर पाया है और 1 मंथ की बात किया तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते 4.55% की रैली कर चुका है लास्ट 1 मंथ के अंदर। गिरावट के बाद यहाँ पे आप देख सकते कि अच्छा स्टेबल हो चुका है विकास सिक्योरिटी स्टॉक। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू में इंसफिशिएंट डाटा पर यहाँ पे आरओई वर्सेस एफडी रेट की बात की जाए तो स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है विकास सिक्योरिटी स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक अच्छा डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है। एंट्री पॉइंट की भी बात की जाए तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉट जोन, तो स्टॉक ओवरब्रॉट जोन में नहीं है तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग्स फाउंड, स्टॉक में यहाँ पे एसएम जेएसएम लिस्ट में भी नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग में शेयर ज़्यादा प्लेस भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में मुड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रिस्क में है रिसेंटली है स्टॉक विकास सिक्योरिटेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास सिक्योरिटेक का जो फॉरकास्ट रिपोर्ट भी देखी जाए तो यहाँ पे नहीं दिखेगी। फाइनेंशियल डिटेल देखी जाए तो फाइनेंशियल डिटेल में देख सकते हो इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हो तो फाइनेंशियल इनकम देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल रेवेन्यू 120.74, मीन्स यहाँ पे 2020 से कम हो गया था। ईबीटा भी देख सकते हो 9 करोड़ का था, पिछले यहाँ पे 2021 में 27 करोड़ का था। मीन्स हर साल यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉफिट जो है ईबीटा कम होते हुए जा रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात की तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे कम होते ही गया था। ईपीएस भी देख सकते हो और नेट इनकम जो टोटल थी वो माइनस में थी, यहाँ पे आप देख सकते 14 करोड़ माइनस में थी पिछले यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे कंपेयर किया गया। तो बाकी के डिटेल जैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट की भी बात की जाए तो बैलेंस शीट भी देख सकते हो हायर देन इंडस्ट्री डेब्ट टू इक्विटी। करंट एसेट भी देख सकते हो टोटल एसेट जो है 325 करोड़ के टोटल एसेट से 2021 में पिछले क्वार्टर से कम, पिछले यहाँ पे साल से कम। और टोटल लायबिलिटीज भी देख सकते हो 197 करोड़ की है, पिछले यहाँ पे 2020 से कम है। हर साल यहाँ पे लायबिलिटीज भी कम होते हुए जा रहे हैं। तो बाकी के डिटेल जैसे कि न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आपको पिछले 3 दिनों आगे आई थी विकास सिक्योरिटेक लेट स्पेशलिटी कंपाउंड डाइवर्सन रिसेशन फ्रेश ऑर्डर और ₹65 मिले, मीन्स यहाँ पे विकास सिक्योरिटेक ₹65 मिलियन के फ्रेश ऑर्डर्स मिले जो कि अच्छी न्यूज़ है। और विकास सिक्योरिटेक एडिंग सोलर कैपेसिटी एट राजस्थान प्लांट टू सेव एनर्जी कॉस्ट, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते विकास सिक्योरिटेक यहाँ पे सोलर कैपेसिटी भी यहाँ पे राजस्थान प्लांट में ऐड कर रहे हैं सेव एनर्जी कॉस्ट के लिए। बाकी के डिटेल जैसे कि होल्डिंग भी देखी जाए तो होल्डिंग में देख सकते हो कि इंक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग पिछले 6 महीने में 6% से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ चुके हैं। और लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग की भी बात की जाए तो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग इज इन सिग्निफिकेंट, मीन्स यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में शेयर प्लेस नहीं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे 0 है और एफआई की होल्डिंग पिछले 3 महीने में यहाँ पे आप देख सकते 3.24% से कम हो चुकी है। तो पब्लिक होल्डिंग टोटल 84.33% से है जो कि ज़्यादा है। बाकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो 15.60 की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 0.08% की है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास सिक्योरिटेक स्टॉक के लिए।